हेलो गाइस, मैं हूं आपको भाई करण कुमार। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाऊंगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो इसमें टच होता कैसे हम लोग डिस्प्ले से बाहर करेंगे। बिल्कुल सफलतापूर्वक यहां पर हम लोग टच को डिस्प्ले से बाहर करेंगे और खराब नहीं होगी। और गाइस मुझे जाना पड़ेगा सिटी, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने महेश भैया की दुकान पर। और गाइस वहां पर आपको दिखाऊंगा कैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक की सामान लाता हूँ और वो भैया के पास हर प्रकार की मशीन उपलब्ध है। और जो भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे तो प्लीज आप लोग यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब यहाँ पर आपको तगड़ी तगड़ी वीडियो देखने को मिलेगी। मैं आपको सिखाऊंगा आप लोग डिस्प्ले से टच को कैसे बाहर करोगे। गाइस आप लोग समझ सकते हो, जैसे टच काम नहीं कर रहा, डिस्प्ले सही है, डिस्प्ले पे चित्र आ रहे हैं, टच नहीं काम कर रहा, तो आप लोग मार्केट में जाइए, वहां से आप लोग टच को खरीद के डाल सकते हो। गाइस आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, डिस्प्ले से हम लोग टच को कैसे बाहर करेंगे, टच को कैसे कटिंग करेंगे, सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूं गाइस। और चलेंगे अपने सिटी फतेहपुर, और जो दुकान में मैं आपको लेके जाने वाला हूं वो पड़ती है पतरकटा चौराहा के पास, और एम के इलेक्ट्रॉनिक शॉप का नाम है, तो आप लोगों को वहीं पर लेके चलता हूं। और जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा और आप लोग पैसे बहुत ज्यादा कमा पाओगे। तो चलो फटाफट चलते हैं सिटी गाइस। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे महेश भैया हैं, यही बताएंगे डिस्प्ले से टच को कैसे बाहर करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो जहाँ पर डिस्प्ले और टच जुड़ी होती है वहाँ पर धूल उल लगी रहती है, आप लोगों को ब्लेड की मदद से या किसी औजार की मदद से आप लोगों को अच्छी तरह से धूल उल को साफ़ कर लेना। गाइस यहाँ पर देखो हमारे महेश भैया साफ कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हर प्रकार की यहाँ पर बटन आपको मिल जाती है। क्योंकि कुछ भाई ये कमेंट किया करते हैं, करण भाई ये बटन कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर आप लोग मोबाइल फ़ोन के छोटे से लेकर बड़े पार्ट्स खरीद के लाते हो आप लोग वहाँ पर चले जाइए, आपको अनाप पत्ता सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, इसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे अनाप की भी ज़रूरत थी इसलिए मैं खरीद के लाया हूँ। और यहाँ पर देखो जहाँ पर टच जुड़े होते हैं डिस्प्ले पे, यहाँ पर देखो उसका कनेक्टर हटाया जा रहा है, इस प्रकार आपको हटा लेना है। आज मैं आपको सिखा दूंगा आप लोग डिस्प्ले से टच को कैसे बाहर करोगे। यहाँ पर देखो कटिंग हम लोग करेंगे, ये देखो यहाँ पर हमारे महेश भैया जो टच वाला पत्ता है डिस्प्ले पे जुड़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने सोल्डिंग आयरन की मदद से बाहर कर लिया है, आपको भी इस प्रकार कर लेना है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कटिंग करना, और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा गाइस सब कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े पार्ट्स के सामान यहाँ पर उपलब्ध है, मिल जाते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी में। गाइस आपको सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। और जो हमारे महेश भैया यहाँ पर हर प्रकार की मशीन भी है इनके पास, OCA मशीन है और DC मशीन है, आपको सब कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो फिर से हमारे महेश भैया देख रहे हैं इसमें धूल उल तो नहीं लगी है, फिर से यहाँ पर सफाई करेंगे, आपको भी सफाई इस प्रकार कर लेना, क्योंकि देखो सफाई आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे जब आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले से टच को बाहर करोगे, आप लोगों की डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी, अच्छी तरह से यहाँ पर जो टच होगा निकल आएगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेना है। और आपको बताता हूँ आप लोगों को कैसे टच को बाहर करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। चलो यहाँ पर पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कुछ पार्ट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हर प्रकार के डाटा केबल, बैटरी, माइक और यहाँ पर रिंगर सब कुछ मिल जाएगा, इसे आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैटरी भी मिल जाती है, हर प्रकार के यहाँ पर टूल्स मिल जाते हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन में कंपोनेंट यूज होते हैं हर प्रकार के मिल जाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लो हर प्रकार के सामान मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सेपरेटर मशीन है गैस उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर फोल्डर को रख दिया, और यहाँ पर देखो 50% यहाँ पर इसका टेम्परेचर हो चुका, जब ये 100 में जाएगा फिर आप लोगों को कटिंग करना, जो इसका टेम्परेचर होगा 100 तक जाता है उससे आगे नहीं जाएगा, ये कट मार देगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर कटिंग करना है। कैसे कटिंग करना है सब कुछ इस वीडियो में दिखाया जाएगा, तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भाई घर पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पे आ सकते हो, यहाँ पर अब आपको हर प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका टेम्परेचर कितना 57% हो चुका, मैंने आपको पहले ही बता दिया 100 तक जाएगा, जो इसका टेम्परेचर रहेगा 100 तक जाएगा, उसके बाद ये ऑटो कट हो जाएगा, फिर आप लोगों को कटिंग करना है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये शॉप कहाँ पर पड़ती है, आप लोग समझ सकते हो जो मेरी सिटी है फतेहपुर पड़ती है, फतेहपुर के पत्थरकटा चौराहा में ये शॉप है, और शॉप का नाम मैं MK इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है गाइस शॉप का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हर प्रकार की मशीन भैया के पास मिल जाएगी, और यहाँ पर देखो यहाँ पर OCA मशीन भी मिल जाती है, किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा OCA मशीन में टच और फोल्डर को कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, वीडियो के जरिए आपको समझा दूंगा। आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो शॉप में क्या क्या सामान मिल जाती है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैं आप कोशिश करूँगा डेली वीडियो अपने चैनल में अपलोड करने की, क्योंकि गाइस मेरा जो फ़ोन था पुराना वाला ख़राब हो गया था, मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा है। यहाँ पर आप लोग देख लो हर प्रकार के यहाँ पर फोल्डर मिल जाएंगे, हर फ़ोन के फोल्डर मिल जाएंगे। जो भी भाई फतेहपुर की वीडियो देख रहे हैं आप लोग ये भैया के शॉप पर आ सकते हो, MK इलेक्ट्रॉनिक नाम है दुकान का, और आपको
ओरिजिनल सामान मिलेगी, वो भी कम रेट में मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी में सामान मिलेगी इस। तो आप लोग एक बार आइए और यहाँ पर भैया के पास कोई भी सामान लेके जाइए, या आप लोग रिपेयरिंग भी कराना चाहते हो रिपेयरिंग भी कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सोल्डिंग आयरन है 9 वोल्ट की। जैसे आप लोग माइक्रो जंपर करते हो तो आप लोग ये सोल्डिंग आयरन को खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि गाइस ये सोल्डिंग आयरन मैं यूज़ करता हूँ, अभी तक ये ख़राब नहीं हुई है, 9 वोल्ट की आती है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको अपना फेस भी दिखाता हूँ, यहाँ पर हर फोन के काम्बो मिल जाएंगे। और भी यहाँ पर आप लोग देख लो मेरा फेस है गाइस, क्योंकि आप लोग ये कहोगे करण भाई तुम तो गए नहीं ऐसे वीडियो बना लिया, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग मेरा फेस भी देख लो गाइस, वहाँ पर मैं आवाज़ नहीं डाल पाया, अब यहाँ पर एडिट करते समय मैं आवाज़ डाल रहा हूँ। मेरे हाथ में आप लोग देख लो ये वही 9 वोल्ट की सोल्डिंग आयरन है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, जो भाई फतेहपुर की वीडियो देख रहे हैं एक बार आप लोग यहाँ पर पत्थरकटा चौराहा पे आइए और MK इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पर जरूर जाइए। हमारे महेश भैया बहुत ही अच्छे सामान देते हैं और कम रेट में देते हैं, और जो भी सामान होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल आपको यहाँ पर दिया जाता है। मैं इन्हीं की दुकान से जो भी कंपोनेंट के सामान ले जाना होता है ले जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लगभग गाइस यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है गर्म हो चुका है, जो टेम्परेचर है सेपरेटर का 100% हो चुका, मतलब 100% हो चुका गाइस यहाँ पर। तो हमारे महेश भैया चेक कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। यहाँ पर देख सकते हो अब हमारे महेश भैया यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। एक वायर आता है जब हम लोग डिस्प्ले से टच को बाहर करते हैं, इस प्रकार हम लोग उसके अंदर डालते हैं जहाँ पर टच लगा रहता है, और इस प्रकार आपको धीरे धीरे खींचना होता है, धीरे धीरे, इसमें आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है गाइस। यहाँ पर देख लो जो सेपरेटर मशीन होती है, इसमें दो ऑप्शन दिया जाता है, एक टेम्परेचर का, एक इसमें ऑप्शन दिया जाता है जो ये देखो फोल्डर है, फोल्डर हिलेगा नहीं, जो मतलब इसमें गैस होती है वो ये जो फोल्डर है अंदर की ओर खींचेगा, हिलेगा नहीं। इससे होगा क्या, आप लोगों को जो टच होगा अच्छी तरह से यहाँ पे बाहर हो जाएगा। आप लोगों को धीरे धीरे करना है, कभी भी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी। जब आप लोग पहली बार करोगे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, एक वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा गाइस। जो मेरा सेपरेटर मशीन थी ख़राब हो चुकी है गाइस, इस कारण यहाँ पर मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, हमारे महेश भैया कर रहे हैं, वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो कभी कभी वायर इस प्रकार कट भी हो जाता है, यहाँ पर देखो कट हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ देखो जो वायर है यहाँ पर टूट गया है। अब यहाँ पर फिर से दोबारा से महेश भैया हमारे वायर लगाएंगे, फिर से कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखो जो सेपरेटर मशीन है इसका टेम्परेचर 100% होना चाहिए, जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा फिर उसके बाद आपको कटिंग करना है। अब यहाँ पर दोबारा से हमारे महेश भैया करेंगे, यहाँ पर देखो इस प्रकार वायर डालना होता है, आप लोग देख लो ऐसे करके आपको वायर डालना है, और धीरे धीरे आपको कटिंग करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है या डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर देखो इस प्रकार धीरे धीरे, जैसे इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो हमारे महेश भैया कर रहे हैं, इसी प्रकार आपको करना है। कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है मोबाइल रिपेयरिंग में तो आप लोग एक बार आ सकते हो महेश भैया से, आप लोग काम करा सकते हो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते हैं और अच्छी तरह से काम आपका कर देंगे। दुकानदार का काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, जो भी सामान आपको लेना हो उचित मूल पर मिल जाएगा, वो भी ओरिजिनल क्वालिटी में। यहाँ पर आप लोग देख लो लगभग यहाँ पर कटिंग होने वाली है, जो टच है यहाँ पर बाहर होने वाला है डिस्प्ले से, इस प्रकार करते हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, अब किसी एक और वीडियो पे आपको लेके जाऊंगा, कहाँ पर मैं IC का काम कराता हूँ, IC का काम कैसे करते हैं, एक शॉप है वहाँ पर आपको लेके चलेंगे। ठीक है, इसे एक नेक्स्ट वीडियो पे आपको सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं वो, और कैसे काम सिखाते हैं, और IC का काम कैसे करते हैं, सब कुछ वहाँ पर किया जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है, आपको उस शॉप पर लेके चलेंगे। यहाँ पर देखो लगभग कटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर जो इसका वायर है गाइस, यहाँ पर देखो जो टच वाला पत्ता है इसमें फंस चुका है, यहाँ पर महेश भैया उसे छुटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख लो गाइस ऐसे करके। और यहाँ पर हम लोग कटर का यूज करके इसे काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये जो वायर है फंस चुका है, बाहर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कटर का हम लोग यूज करेंगे ऐसे करके, इसे हम लोग कट करेंगे, क्योंकि टच वाला पत्ता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो इसका कटर है गाइस यहाँ पे चल नहीं रहा है, यहाँ पर आप लोग देखो इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो नहीं चल रहा, तो हम लोग यहाँ पर ब्लेड का यूज करेंगे, ब्लेड की मदद से हम लोग इसे पूरा बाहर कर देंगे, क्योंकि टच वाला पत्ता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो कट हो चुका गाइस, अब फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर इस प्रकार फिर से डालेंगे टच में, और इस प्रकार हम लोग कर देंगे, और यहाँ पर देखो सफलतापूर्वक कटिंग हो चुकी है आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर हम लोग सेपरेटर मशीन को ऑफ कर देंगे, इस प्रकार करेंगे गाइस, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। इस प्रकार आप लोग डिस्प्ले से टच को बाहर कर सकते हो गाइस, कभी कभी होता है डिस्प्ले ख़राब भी हो जाती है, आप लोग एक दो बार करिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस उस प्रकार करोगे तो एक ही बार में आप लोगों का टच बाहर हो जाएगा, डिस्प्ले कभी भी ख़राब नहीं होगी।
यहाँ पर देखो अभी आप लोग देख सकते हो इसमें अच्छी तरह से अभी यहाँ पर जो टच है बाहर नहीं हुआ है। एक कोने में आप लोग देखो कि थोड़ा बहुत लगा है, उसे हम लोग हीट करके फिर से निकाल लेंगे। इस प्रकार करते हैं गाइस, ठीक है। कटिंग आप लोग इस प्रकार कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख लो। और जो इसमें ग्लू लगा रहा था गाइस, इसे साफ भी करते हैं, ठीक है। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा टच और डिस्प्ले को कैसे ओसीओ मशीन द्वारा कैसे कंप्लीट करते हैं सब कुछ। अब आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी गाइस। यहाँ पर देखो महेश भैया लगभग इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। और जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना।